जब हमें घबराहट और मृत्यु का भय सताए तो क्या करना चाहिए? मृत्यु का भय सताता ही तुम्हें इसलिए है क्योंकि जीवन तुमने अभी तक जिया ही नहीं है। जो जीवन को अच्छी तरह जी लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जीवन जीने की कला में ही छिपा है मृत्यु से मुक्ति का राज। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को मृत्यु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराया, क्योंकि पूरा कठोपनिषद मृत्यु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान से संबंधित है। इसलिए मेरी बड़ी गहरी प्यास हुई कि मैं इसको जानूं कि मृत्यु का राज क्या। जब मैंने गहनता से गंभीरता से उस ग्रंथ का अध्ययन किया तो एक अद्भुत राज, एक अद्भुत रहस्य उसका अनुभव मुझे हुआ। और उसका सार यही है कि जो भी कृत्य जीवन में तुम करते हो अगर उसे पूर्णता से कर लेते हो तो उस कृत्य से तुम मुक्त हो जाते हो। और जो व्यक्ति जीवन के सभी कृत्यों को संपूर्णता से संपन्न करने लगता है, एक छोटे छोटे कृत्य को पूर्णता से करने लगता है, एक छोटा सा कृत्य किया आपने और उसको पूर्णता से किया, इतनी पूर्णता से किया कि अब उसमें कुछ बचा नहीं, तब उस कृत्य की छाया, उस कृत्य की रेखा बचती नहीं, वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे आपने किसी पुस्तक का एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया और उस पुस्तक का एक चैप्टर आपने किसी तरीके से रगड़ धगड़ के लटक पटक के कुछ पढ़ा, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा, पढ़ के ख़त्म कर दिया। फिर आपने पढ़ते समय ये ध्यान रखा कि भाई अभी तो एक मोटे तौर पर पढ़ लिया, फिर इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह। अब वो पहला चैप्टर जो आपने ऐसे तैसे पढ़ लिया, अब वो आपके स्मृति में आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, अभी आपके प्राणों में लगा रहेगा कि कभी मौका मिला तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लूँगा। अब आप अभी आप उससे मुक्त नहीं हो सके, अब उससे अब वो आपको घेरे रहेगा, आपको पकड़े रहेगा, आपके भीतर छाया रहेगा, उसको पूरा पूरा पढ़ने की कशिश आपके प्राणों में भरी रहेगी। अगर आपने उस चैप्टर को सब कुछ छोड़ के, जैसे दुनिया में सब कुछ समाप्त हो गया, अब इस चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ना और समझ लेना, आपने उस चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें रिव्यू भी कर लिया, पुनर्विचार भी कर लिया कि इसमें 1, 2, 3, 4 ये चार बातें कही गई, अब कोई आपसे पूछेगा कि इस चैप्टर में क्या है तो आप कह दोगे बड़ी सरलता से, मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया, इसमें 1, 2, 3, 4 चार बातें ये कही गई हैं। अब आप उस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लेने के बाद उस चैप्टर की झंझट से पूरी तरह मुक्त हो गए। कहते हैं जीवन मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्ति या मोक्ष कोई ऐसी अवस्थाएं नहीं हैं जो मरने के बाद किसी दूसरे लोक में मिलती हैं। इस जीवन को जीते हुए ही जो व्यक्ति जिंदगी के हर कृत्य को पूर्णता से करने का अभ्यास कर लेता है, वो हर कृत्य को करने के बाद मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर लेता, मुक्ति के अनुभव से गुजरता है। अगर हर छोटा छोटा कृत्य आपका पूर्णता से होने लगे, पानी पियो तो पानी का पीना इतनी पूर्णता से हो कि पानी पीने के अलावा कोई दूसरा कृत्य आपके चित्त में ना आए, तो वो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। भोजन करो तो भोजन करते समय पूरे प्राणों से भोजन को इतना चबा चबा कर करो कि सिर्फ तुम्हारा मुंह ही भोजन को नहीं चबा रहा है, रोए रोए से तुम भोजन को आत्मसात कर रहे हो, यानी अपनी सारी ऊर्जा भोजन करने में लगा दो, किसी दूसरी चीज़ की चिंता ना रहे। उस समय तुम पाओगे भोजन तुम्हारे लिए औषधि बन गया, अमृत बन गया। अगर तुम किसी से हाथ मिलाते हो तो जितने क्षण तुम्हारा हाथ तुम्हारे मित्र के हाथ में हो, तुम्हारे मित्र का हाथ तुम्हारे हाथ में हो, उस समय पूरा प्रेम अपने हाथों से अपने मित्र की तरफ प्रवाहित कर दो, वो दो क्षण तुम्हारे प्रेम के अनुभव के क्षण हो जाएंगे। अभी तो तुम मुर्दा मरा मराया हाथ मिलाते हो, लगता है कि
दो लाशें एक दूसरे को छू रही है, जान नहीं प्राण नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन को पूर्णता से जीने लगता है, उसको जीवन जीने में ही रस, जीवन जीने में ही परम आनंद का स्वाद मिलने लगता है। और जो व्यक्ति जीवन का पूरा स्वाद, जीवन का पूरा आनंद पा जाता है, वो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। मरने का डर उन्हीं को पकड़ता है जिन्होंने जीवन जिया नहीं। अधिकांश पति पत्नी जब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, उस समय पति को बहुत पीड़ा होती है कि मेरी जीवन संगिनी अब न रही। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि ये जो जीवन साथी के चले जाने पर जो पीड़ा होती है, उसका मुख्य कारण यही है। वो व्यक्ति सोचता है कि जब मेरी जीवन संगिनी जिंदा थी, तब मुझे जितना प्यार करना चाहिए था उसको, उतना प्यार मैं नहीं कर पाया। और यही कशिश रह जाती है कि काश अगर अब वो होती तो मैं दिनों रात 24 घंटे पूरे प्राणों से उसके होने का आनंद लेता और अपने होने का आनंद उसे उपलब्ध कराता। आज वो नहीं है, तब व्यक्ति पछताता है, काश जब वो थी तब मैं उसको पूरी तरह जी लिया होता और उसको पूरी तरह प्यार कर लिया होता। वो प्यार का अपूर्ण रह जाना, प्रेम की अपूर्णता ही पीड़ा बन जाती है, वही दुख बन जाती है, वही मरने का सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाती है। अन्यथा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जो जीवन को पूरी तरह जीने लगता है वो एक और अनुभव को प्राप्त करता है। ये आप समझ लें, ये जिस जिसने जाना है, जिस जिसने अनुभव किया है, उन सब ने कहा है। मैं खुद अपने प्राणों का अनुभव कहता हूँ, जो जीवन को पूर्णता से जीने का स्वाद पा लेता है, उसे एक सत्य और पता चलता है। विचार शून्यता के क्षणों में यह सत्य उभरता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेतना हूँ। और ये चेतना शरीर से अलग भी खड़ी हो सकती है, शरीर से दूर भी रहती है। ये चेतना बिस्तर पर शरीर पड़ा रहता है और मैं इधर उधर घूम आता हूँ, आप लोगों के यहाँ भी हो आता हूँ, आप लोगों के चक्कर काट लेता हूँ जहाँ ज़रूरी होता है। तो मुझे इस बात का बोध है कि मैं शरीर नहीं हूँ और ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। इस शरीर का जाना सिर्फ वाहन का बदलना है। जैसे एक कार पुरानी खटारा हो गई तो बहुत प्राणों में प्यास होती है कि नई कार आ जाए और नई कार में बैठने का आनंद ले। वैसे जो व्यक्ति स्वयं को शरीर से अलग होने के अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, वे ये भी सोचने लगते हैं कि अब इस कार को छोड़ के दूसरी कार, दूसरा वाहन मिल जाए, कितना जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। उन्हें भय नहीं पकड़ता बल्कि उत्सुकता पकड़ती है कि कैसे नई कार में प्रवेश करने के अनुभव को प्राप्त किया जाए, तुम इस भय से मुक्त हो सकते हो। इस गहन जीवन, जीवन जियो पूरे प्राणों से, जीवन जियो पूरे प्राणों से, क्षण क्षण जियो, पल पल जियो और एक एक पल का पूरा रस निचोड़ लो। इतना रस निचोड़ लो कि कुछ बचे ही ना, बीते हुए क्षण की चिंता पकड़े ही ना कभी। जैसे यहाँ इस समय मुझे सुन रहे हो, आए हो आश्रम में इतनी इतनी दूर से, तो इस क्षण को, इस क्षण के पूरे आनंद को निचोड़ लो। अब इस समय इस क्षण के अलावा और कहीं ना जाओ। ऐसे पूर्णता से जीवन को जीने का अभ्यास करो। अगर यही एक साधना आपने शुरू कर दी तो भी तीनों महामंत्र आपके जीवन में उतर जाएंगे अपने आप। यहीं से शुरू करो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।